आज हमारे पास ये सेल्लोवेल जेट पंप आया हुआ है। आज सुबह ही आया है मेरे पास में, और इसके अंदर कस्टमर का कहना है कि मैंने इसको अभी कुछ ही दिनों पहले इसको रिपेयर करवाया था, इसकी बैरिंग डलवाया था और इसके अंदर हमने सील डलवाया था, लेकिन अभी भी जो प्रॉब्लम पहले बनी हुई थी, खैर आवाज़ तो इसकी बंद हो गई, लेकिन इसका जो पानी टपकने की जो दिक्कत थी, परेशानी थी, या पानी कम उठा रही थी हमारी मोटर, वो परेशानी अभी भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जैसे पहले पानी इसका निकलते रहता था, टपकते रहता था, वैसे ही पानी अभी इसका टपक रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना पानी इसके मतलब टपका हुआ है। तो दोस्तों, आपके घर के अंदर अगर किसी भी प्रकार की मोनोब्लॉक पंप है, यानी कि सेल्फ प्राइमिंग मोनोब्लॉक पंप है, चाहे वो टेंडी की मोटर हो, चाहे आपके सेल्लोवेल हो, चाहे आपके पास इस तरह का मतलब सेल्लोवेल जेट पंप है, या तो मतलब किसी भी प्रकार का मतलब मोनोब्लॉक पंप है जिसके अंदर की सील लगी हुई होती है और एक ही साथ कंबाइंड होते हैं मोटर और पंप, तो उसके अंदर अगर सील लीकेज है, चाहे उसके अंदर सब कुछ ठीक रहेगा, फिर भी आपकी मोटर पानी नहीं उठाएगी, चाहे आप कितना ही प्रयास क्यों ना कर लीजिए। तो इसलिए तो किसी दुकानदार के द्वारा बैरिंग और सील डालने के बाद भी अगर ऐसी दिक्कत बनी हुई है आपकी मोटर में, यानी कि पानी की कोई भी मोटर हो, ठीक है, सील का जो सेटिंग होती है सबकी एक समान ही होती है, सबकी एक जैसे ही होती है। हाँ, किसी के ऊपर वार्सल रख करके उसके ऊपर लॉक लगाया जाता है, या किसी के ऊपर ऐसा होता है कि उसके मतलब जो हमारा एम्पेलर होता है, जैसे कि आपके ये सेल्लोवेल जेट पंप है, इसके ऊपर चूड़ीदार इसके एम्पेलर होता है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट कस दिया जाता है और कसने के बाद में अपने आप ही वो सील बैठ जाती है, उस पर लॉक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद भी, एक मिस्त्री के द्वारा ऐसा करने के बाद भी, आखिर इसके अंदर ऐसी दिक्कत क्यों आई, सील क्यों लीकेज हो गया, सील के अंदर मतलब फिटिंग करने में क्या परेशानी रह गई, तो आज की वीडियो के अंदर दोस्तों हम लोग इसी बारे में बात करेंगे, नहीं बल्कि इसको करेंगे और खोलेंगे, इसको आपको रिपेयर करके दिखाएंगे कि आखिर कहाँ पर कमी रह गई बंदे को काम करने में, हैं, क्या किस बात पे उसने ध्यान नहीं दिया, और आपको किन बातों पे ध्यान देना है, कौन सी बातों पे आपको गौर करना है कि आपकी सील नया डाल रहे हैं तो दोबारा वो लीकेज नहीं होनी चाहिए कम से कम 2-3 सालों तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, और शेयर करना है तो करना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है शेयर करने की, आप खुद देखो, बढ़िया से देखो, समझो, सीखो, ठीक है, नहीं तो सारे देख लेंगे, सारे सीख जाएंगे तो फिर आपके पास कौन आएगा, सीखने का फायदा नहीं होगा फिर। तो दोस्तों, इसको खोलने के लिए सबसे पहले हमारे जो सेल्लोवेल जेट पंप होता है उसके मतलब आगे से कोई नट बोल्ट नहीं खोला जाता, यहाँ से भी नहीं खोला जाता, यहाँ से भी नहीं खोला जाता, इसको ये 4 नट लगे होते हैं, इसको खोलेंगे तो हमारी ये पूरी टंकी बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो हम इसको खोलते हैं, देख सकते हैं इसकी जो फिटिंग की गई है तो इस जगह पर भी पानी गिर रहा है, यहाँ से भी पानी टपक रहा है, यानी कि यहाँ से भी लीकेज है। तो जब क्योंकि ये एक मतलब जब खुलता है तो इसका सारा सामान वही का पुराना पुराना लगाना पड़ता है, तो इसकी जब तक सही से सेटिंग नहीं करेंगे और कहीं से भी अगर लीकेज होगा तो पानी, ये प्रेशर इसका कम हो जाएगा, किसी भी मोटर का प्रेशर अगर कम होता है तो लीकेज की वजह से सेक्शन में लीकेज होती है, हैं, तो ही दिक्कत आती है। अगर ऊपर से आउटपुट में दिक्कत होगी, लीकेज होगा तो पानी निकलने लग जाएगा, लेकिन पानी के प्रेशर कम होने की शिकायत ऊपर से नहीं होगी, ऊपर अगर लीकेज होता है तो, ठीक है, अगर सेक्शन में यानी कि पीछे साइड में जहाँ से पानी खींचता वहाँ से लीकेज होगी तभी ऐसी दिक्कत आती है। चलिए इसको खोलते हैं, ओपन करते हैं। किसी भी मोटर का नट बोल्ट अगर आप खोलते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा जंग लगा हुआ है तो उसके ऊपर पानी के कुछ बूंदे डालें, तेल ना डालें, तेल डालने से जंग नरम नहीं होता है, पानी डालने से नरम हो जाता है बहुत आसानी से। और इसको खोलने के लिए दोस्तों, ये नट वगैरह चारों जब खुल जाएँ कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये खुले चाहे ये नट खुले एक ही बात है, आप इसको भी लगा सकते हैं बाद में। चलिए इसको खोलते हैं, और इसको यहाँ से सबसे पहले खोलना होता है, ठीक है, इस जगह से सबसे पहले हम इसको ऐसे हल्का हल्का मार करके, पानी भरा रहता है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से ये खुल जाता है, देख सकते हैं, ठीक है, इसको रख देते हैं साइड में, और अब हमें ये एम्पेलर निकालना है, ये चूड़ी वाला एम्पेलर है, और इसको निकालने के लिए आपको यहाँ पे इस जगह पे एक चाबी लगाई जाती है, ठीक है, यहाँ पे एक चाबी लगाई जाती है, यहाँ पे कई बार यहाँ पे चाबी लगती है, कई बार यहाँ पे लगती है इसके पीछे में इस जगह पे, ठीक है, तो कहीं से भी हम पकड़ सकते हैं, हमें पकड़ना है उसको, और पकड़ेंगे नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं। और इसको आप बैक कवर को खोलेंगे, और देख सकते हैं यहाँ पर भी वो जैसे कट होना चाहिए इस जगह पे, वो भी कट नहीं है यहाँ पे, तो इसको कैसे करेंगे देखते हैं दोस्तों।
पहले इस पंखड़ी को हमें निकाल लेना होगा। देखिए यहाँ पे ना कट होता है जिसे चाबी फंसाने का, ताकि हम इसको पकड़ करके इस इम्पेलर को हम खोल सके, पर यहाँ पे कट है नहीं, तो हमें कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा इसमें। जुगाड़ क्या, हमें पाइप रिंच से पकड़ना पड़ेगा इसको। लोकल मोटर के अंदर अक्सर ऐसी दिक्कत आती है कि उनके अंदर ये चाबी वगैरह नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे फंसा के पीछे आप इसको पाइप रिंच से पकड़ लीजिए। ठीक है, और पकड़ने के बाद में फिर आप इसको अगर उल्टा घुमाना होगा आपको, तब जाके ये खुल जाएगा। देखिए खुल गया ये। ठीक है, इस तरह से खुल जाता है। अब देखिए कहाँ पे दिक्कत रहेगी जिसकी वजह से इसमें सील की लीकेज हो गई, बाकी तो इसमें सब कुछ ठीक ही लग रहा है। पर इसमें देखेंगे आप कि सील की लीकेज आखिर क्यों हुई। देखिए सील वगैरह सब कुछ लगाया है, ये बंदे ने जो है ना सही से टाइट नहीं किया है, यानी कि यहाँ पे वार्सल लगेगा और हैं, और उसके बाद में इसमें क्या दिक्कत है इसको हम खोल के देखेंगे। देख सकते हैं सही से बैठ ही नहीं है ये। ठीक है, ये बैठा हुआ नहीं है सही से। अब देखेंगे इधर, देखिए ये रबड़ इसका दबा हुआ है यहाँ पे, और इस वजह से सील ना सही से बैठी नहीं है, इस वजह से ऐसी दिक्कत आई है। तो चलिए इसको खोलते हैं, निकालते हैं बाहर और देखते हैं कहीं से और फटी वगैरह तो नहीं है। तो चलिए इसको बाहर निकालते हैं सील को, और देखते हैं कहीं से फटा उटा तो नहीं है, क्योंकि हमें सील चेंज करना है। ये चेंज नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। निकालने के लिए आपको सिंपली ये, इसमें कोई लॉक वगैरह नहीं लगा हुआ होता है, तो सील को आप ऐसे ही पेचकस वगैरह से हम निकाल सकते हैं आराम से, इस तरह से निकल जाएगा। ठीक है, और ये सील क्यों आखिर लीकेज हुई, नई सील डालने के बाद भी देख सकते हैं इसके नीचे, अगर देखेंगे देख सकते हैं इसके अंदर में ये मुड़ी हुई है, यानी कि सही से बैठी नहीं सील। ठीक है, इस वजह से ये इसके अंदर दिक्कत आई, जो कि पानी की लीकेज रुक नहीं रही थी। देख सकते हैं यहाँ पे सील फट गई है। ठीक है, और ये सील कहाँ से, इधर से भी फटी हुई हो सकती है। देखिए इस जगह से सील ये फटी हुई है। ठीक है, यहाँ से सील फटी हुई है, जिस कारण से यहाँ से देखिए। ठीक है, तो सील फटी हुई है, फटी होने के कारण ही ये ऐसी दिक्कत आ रही थी, जो पानी की लीकेज इसकी बंद नहीं हो रही थी। ठीक है, तो आपको क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले ही ये सील लगाई गई है, तो इसके अंदर आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप एक काम कीजिए, इसकी जो पत्थर है आप देख लीजिए कहीं ये भी तो कहीं से फटा वटा नहीं है, और अगर सही से लगा हुआ है तो इसको छोड़ दीजिए आप, और ऊपर की जो सील है उसको आप चेंज कर दीजिए खाली। ठीक है, तो इसको हम देख रहे हैं कहीं से मतलब ये ख़राब नहीं है। और दूसरी बात कि इसकी सापट आपको मैं दिखाऊं नज़दीक से, इस मोटर की जो सापट है दोस्तों, देख सकते हैं सापट कट गई है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो अगर इस तरह की सापट आपकी कटी हुई आती है, तो यहाँ पे जब आप सील को लगाएंगे इस जगह पे, देख सकते हैं इस जगह पे जब आप सील लगाएंगे ना, तो आपकी सील निश्चित है कि फटेगी फटेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए कि इस जगह पे थोड़ा थोड़ा जो है ना रैगमार से साफ़ कर लेना चाहिए, ताकि वो बराबर हो जाए, ताकि आपकी जो सील का ये रबड़ है, ये जो रबड़ वगैरह है ये अच्छे से इसके अंदर बैठ जाएँ। ठीक है, तो इसको बैठाने के लिए ही आपको जो कि मतलब प्लेन होना चाहिए, जब क्योंकि जब नया आता है तब ये प्लेन रहता है। ठीक है, या तो सापट आप चेंज कर सकते हैं, तो सापट चेंज करवा लीजिए। नहीं, अगर सापट चेंज करवाना है आपको, तो आप इसमें यही काम कर सकते हैं कि इसके ऊपर आप इसको रगड़ लीजिए रैगमार से या रेती से। ठीक है, चलिए हम रेती से या रैगमार से इसको साफ़ करते हैं पहले चला करके। तो इसको साफ़ करने के लिए हमने ये रैगमार लिया है, तो इसको बराबर कर लेंगे पूरा। इसके मोटर को चलाते हैं एक बार। क्योंकि दोस्तों ये जंग लग जाता है, जंग लगा रहेगा उसके ऊपर आप सील लगाएंगे, तो ज़रूर वो या तो सील फट जाएगी या तो वहाँ से लीकेज बंद नहीं होगी कभी भी। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको साफ़ कर लेना चाहिए, तभी बढ़िया से आपकी सील बढ़िया बैठेगी। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे ये बिल्कुल प्लेन हो गई है। तो दोस्तों इसको कुछ इस तरह से साफ़ कर लेना है, प्लेन हो जाएगा जब बराबर हो जाए। ठीक है, तो इस पर आप जब सील लगाएंगे तो वो सील आपकी बढ़िया से बैठ जाएगी, और देख लीजिए हाथ लगा के कहीं पर इसमें गड्ढा वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर गड्ढा होगा तो फिर सील बैठाने में आपको दिक्कत या परेशानी हो सकती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको चेक कर लीजिए हाथ फेर फेर करके। ये जो आपको हल्का हल्का दिखाई दे रहा है ये बस कालिक है, ये इसमें अच्छे से चिपक जाएगा। चलिए अब इसके अंदर दूसरी सील लगाते हैं। सील लगाने के बाद दोबारा हम आपको
चला करके इसको दिखाएंगे और पानी भी चेक कराएंगे, लीकेज वगैरह भी सब कुछ चेक कराएंगे आपको। और दोस्तों जब भी आप सील चेंज करते हैं, किसी और का सील डाला हुआ है, आप उसके ऊपर बिल्कुल विश्वास ना करें। आप अगर मिस्त्री हैं तो खुद इसका पत्थर भी लगाइए और इसकी सील भी लगाइए, क्योंकि अनाड़ी मिस्त्री कई बार ऐसे होते हैं कि उसको कर तो देंगे पर वो नीचे का पत्थर वाला रबड़ भी फाड़ देते हैं कई बार। तो ठीक है, तो आपको इसको निकाल लेना है, ठीक है, इस तरह से निकाल लेना है और आपको चेक करना है उसको भी। देख सकते हैं हमने पत्थर निकाल लिया है और पत्थर निकालने के बाद नीचे वाले की रबड़ को भी हम निकालेंगे और देख लीजिए ये रबड़ भी हल्का सा फटा हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब पत्थर भी सही से बैठा हुआ नहीं था, यानी कि ये रबड़ और दोनों ही हमें चेंज करना बहुत ज़रूरी था। जब भी आप चेंज करते हैं तो सील और पत्थर दोनों ही चेंज करें आप, और इसके नीचे की रबड़ भी आप ज़रूर चेंज कर लें। और जब आप चेंज करते हैं तो इसके नीचे में आपको सफाई भी कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग होते हैं यही गलती करते हैं, किसके अंदर सफाई वगैरह बढ़िया से नहीं करते हैं, जो कि आपको सील लगाने में देख सकते हैं जो ये कचरा है ये, ठीक है, ये जो कचरा है ये बहुत दिक्कत करता है सील वगैरह लगाने में, ठीक है। तो इसको आपको ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, कपड़े से भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ये साफ़ हो गया है, अब इसके अंदर हम पत्थर लगाते हैं और सील लगाएंगे। देखिए आप हम कैसे लगाते हैं इसको। सेल्लोवेल पंप के अंदर अलग अलग टाइप की सील लगती है, एक 16 mm की सील लगती है और एक 12 mm की लगती है, ठीक है। दो प्रकार की सील लगती है सेल्लोवेल जेट पंप में। तो अभी जो इसके अंदर लग रही है वो 12 mm की लग रही है, देख सकते हैं हमने 12 mm की जो है कि ये ले रखा है। देखिए 12 mm लिखा है ना, यहाँ पर निशान लगा ब्लैक का है, 12 mm हैं, और ये है 11 mm, 10 mm, 8 mm, यानी कि 16 mm की भी होती है। तो अभी इस पैकिंग के अंदर यही आता है, ठीक है। इसके अंदर हम 12 mm की सील लगाएंगे, देख सकते हैं इस तरह से निकलता है ये, ठीक है। पहले रबड़ को लगाना है अंदर, इस तरह से फिट कर लेना है पहले, चारों तरफ से बैठ जाए अच्छे से। जब भी आप सील चेंज करते हैं तो आपको इस तरह के एक प्लास्टिक का गुटका बना लेना चाहिए, जिससे कि आपको सील वगैरह लगाने में आसानी रहती है। और सील के ऊपर सबसे पहले आपको थोड़ा सा मोबिल ऑयल लगाना है, ठीक है, हल्का सा ऐसे पोंछ लीजिए इसको। और सील का जो एक कट वाला हिस्सा होता है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से, देखिए ये जो कट वाला हिस्सा होता है, एक तरफ गड्ढा होता है और एक तरफ बिल्कुल प्लेन होता है। आप देखेंगे एक तरफ बिल्कुल प्लेन होगा और चमकता हुआ होगा, ठीक है। तो उस चमकते हुए हिस्से को आपको ऊपर रखना और जो एक कट होता है हल्का सा, इसको नीचे की तरफ रखना, खुरदरा वाला हिस्सा, ठीक है। इसको हम चारों तरफ से ऐसे लगा लेंगे इसमें तेल थोड़ा सा, और इसको इस तरह से रख करके, और हम ये प्लास्टिक के गुटके से हम इसको ऐसे हल्का हल्का ऐसे मारेंगे इस पर और ये बैठ जाएगा। अब देख सकते हैं मैंने हथौड़ी वगैरह नहीं लगाई है, लेकिन ये अच्छे से बैठ गया है अंदर तक। फिर भी आपको थोड़ा बहुत लगता है तो आप इस पर हल्की सी हथौड़ी से हल्का सा चोट मार सकते हैं, ठीक है। ऐसे रख करके आप इसका हल्का हल्का इसे चोट मार लीजिए, ठीक है। अब हमारी ये जिसके जो सील का जो पत्थर है ये बैठ गया है, लेकिन अगर आपको कहीं से लगता है, आप देख सकते हैं इसके अंदर हल्का सा लग रहा है, यहाँ से उठा हुआ, ठीक है, यहाँ से हल्का सा उठा हुआ लग रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा कैसे करेंगे, इसको सीधा अगर आपको करना है तो ये पत्थर को हल्का सा निकाल के उसके बाद आप जब मार देंगे ना तो ये अच्छे से बैठ जाएगा। तो अभी हमारा ये सील पूरी तरह से अंदर तक बैठ गई है, पहले पूरी नहीं बैठी थी, आप देख सकते हैं पूरी अच्छे से बैठ गई है। तो चलिए इसके ऊपर अब हम ये दूसरी वाली मेन सील हम इसके ऊपर अब लगा लेते हैं, ठीक है। इसको भी लगाने के लिए आपको सिंपली ऐसे ही लगा देना है और कुछ भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर ये लूज है, ठीक है, इस जगह पर ये लूज है, इस जगह पे देखिए ये लूज है,
ठीक है, तो ये पानी की लीकेज इसकी बंद नहीं होगी। अगर यहाँ पे लूज रहेगा इस तरह से, तो ये पानी की लीकेज इसकी बंद नहीं होगी। तो इसको टाइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें सील कई प्रकार की आती हैं, ठीक है। तो मेरे पास एक दूसरी सील है, मैं उसको लगा करके इसमें देखता हूँ, शायद वो बढ़िया से फिट आ जाए, क्योंकि उसका जो खांचा है वो कम है, ठीक है। चलिए उसको लाते हैं और उसको लगा के देख, मैं अभी दूसरी सील लेकर के आया हूँ, और आप इन दोनों के अंदर डिफरेंट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला हिस्सा जो है इसका मुँह चौड़ा है, ठीक है, लेकिन इसका वाला पतला है। ये बेस्ट की सील है और ये आपकी डायमंड की है, ठीक है। डायमंड से मैंने फाड़ा है, डायमंड के पन्ने से। तो अगर मैं इसको लगाऊंगा तो ये ज़रूर सेट हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर ये गैप थोड़ा सा ज़्यादा पड़ रहा है। ये पूरा 12 mm है और ये सिकुड़ करके 10 mm आ जाता है, तो ये अच्छे से मतलब चिपक जाएगा। हमारी सापट जो थोड़ी सी पतली हो गई है, इस वजह से उसके अंदर ये सही आ जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं। पत्थर हम उसी को देख सकते हैं, यहाँ से कितना टाइट जा रहा है, यहीं से। ठीक है, तो थोड़ा टाइट जाना चाहिए, तभी ये बढ़िया से पकड़ के रखेगा। तो देख सकते हैं अभी ये ऊपर नहीं आ रहा है, उसको जब हम दबाते थे तो ऊपर आ जाता था वो, ठीक है। तो अभी ये ऊपर नहीं आया है, तो इस तरह से हमारा जो कि ये सील इसका बैठ गया है। और इसके ऊपर अब हम 3-4 वार्सल लगा देंगे। वार्सल कौन से, जो हमारे कूलर के किट के अंदर लगाए जाते हैं, जैसे कि ये देख सकते हैं, ये वाले कूलर के किट वाले वार्सल थोड़े से लगा देने हैं, ताकि आपका ये यहाँ तक आ जाए, ठीक है। यहाँ तक ये जो कट बना है यहाँ तक आ जाए, और उसके बाद में आपका ये जो कि यहाँ पे ये मतलब बिल्कुल सेट हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो चलिए इसको कस लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पीछे प्लास से आपको पकड़ लेना है। कसते समय आपको ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये चलता है तो अपने आप ही ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात कि जब आप इसकी फ़िटिंग करते हैं, क्योंकि इसके रबड़ वगैरह पुराने ही लगे हुए हैं इसमें, तो आप जब इसकी फ़िटिंग करेंगे तो आप इसके ऊपर हल्का हल्का ग्रीस लगा लीजिए, क्योंकि ग्रीस लगाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि इसकी जो मतलब पकड़ है वो अच्छे से बन जाएगी, बढ़िया से लीकेज वगैरह यहाँ से नहीं होगा। और आपके जो आगे वाले में हिस्से में पानी टपका हो, मैंने दिखाया था, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा लेना उसको हटा करके। तो देख सकते हैं अभी ये सही हो गया, और इसको हम एक बार चला के देख लेते हैं। देख सकते हैं ये चालू है और उल्टा चल रहा है। चालू तो है पर ये उल्टा चल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये उल्टा चल रहा है, देख सकते हैं ये खुल रहा है, ये खुल भी गया। इसको ऐसे चलना चाहिए, देखिए क्या कमीनापंती कर रखा है उस मिस्त्री ने, मतलब इसको उल्टा चला रहा है उसको। खैर अभी ध्यान दिया हमने इसकी, क्योंकि एम्पेलर इसका इस तरह से चलता है, ऐसे ऐसे चलता है ये एम्पेलर, तो इसको उल्टा चला रखा है उसने, तो इसको बाद में सेट करेंगे। पहले हम इसको जो है कि ये जो इसकी फिटिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसके मोटर को खोल करके इसके कनेक्शन को हम चेंज करेंगे, या देखते हैं बॉडी चेंज करने से हो जाता है या नहीं। अब इस मोटर के अंदर मिली है बॉडी को हम पलट देंगे, जो कि तो अगर हम इसकी बॉडी को निकाल करके, क्योंकि इसमें कॉमन बना हुआ है पहले से ही, तो इसका कनेक्शन चेंज नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी बॉडी को निकाल करके हमें इसको मतलब पलटना पड़ेगा और ये ठीक हो जाएगी। उससे पहले जो पंप का काम बाकी है उसको कम्प्लीट कर लेंगे, उसके बाद इसकी मोटर को पलटी करेंगे। पानी कहाँ से उठाएगी ये, ग्रीस आपको इस तरह से लगाना है कोने भर जाए, ताकि मोटर पानी कहाँ से उठाएगी दोस्तों। मोटर जब उल्टी चलेगी तो पानी कहाँ से उठाएगी, एंटी क्लॉकवाइज चलती है मोटर। कोई भी कनेक्शन करते हो ध्यान से किया करो, ठीक है। इसके ऊपर ग्रीस हमने लगा लिया है, और इसके आगे जो हिस्सा है ये वाला, यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे पानी टपक रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसको खोल करके इस जगह पे भी हम ग्रीस लगा लेंगे, जैसे हमने इस पे लगाया है, ठीक है। तो इसको खोलने के लिए आपको सिंपली हथौड़ी से ऐसे मार देंगे तो निकल जाएगा ये। देख सकते हैं इसका वार्सल ही कटा हुआ है, इस वजह से ये लीकेज कर रहा था। तो इसके वार्सल हम दूसरा लगाएंगे इसमें, मैं नया मोटर बनाता हूँ ना, तो मेरे पास होता है ये सब वार्सल वगैरह, तो इसको हम नया लगाएंगे और इसको फिर सही फिटिंग करेंगे।
और ये चेक कर लीजिए कि ये सब इसके अंदर लगा हुआ होना चाहिए, कभी भी आप एक्स्ट्रा समझ के इसको निकालना मत। तो ये रबड़ लिया है हमने, तो इसको हम, इसके ऊपर रिंग है, ये ओ रिंग कहते हैं इसको, तो इसको हम लगा लेंगे इसके ऊपर। और जब हम, आप नया रबड़ जब लगाते हैं तो आपको इसको मतलब ग्रीस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, जब पुराना हो जाता है ना तभी ग्रीस लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये इस तरह से हो गया, और अब हम इसको फिट कर लेते हैं इस पर। तो ये अब जो, ये जो हिस्सा है ये आगे की तरफ जाएगा और ये टंकी अपने पीछे की तरफ रहती है। अपने हिसाब से देख लीजिए, ये सीधा होना चाहिए क्योंकि इसका कोई ऐसे कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और इसको भी हमारा ये ऊपर रहेगा, ठीक है। तरह से हमारा ये पेंच लगाना है अब हमें इसका, जो हमने ये बोल्ट खोला था इस बोल्ट को भी हमें कस लेना है, बारी बारी से सबको कसेंगे। दोस्तों इस तरह की कोई भी मोटर है जब इसके नट पेंच आप टाइट करते हैं तो सबको बराबर बराबर टाइट करना होता है, कोई ये नहीं कि कम ज़्यादा हो जाए। अगर इस तरह की मोटर है एल्युमिनियम की, और एल्युमिनियम की मतलब पाइप उसके, मतलब एल्युमिनियम के पाइप के अंदर मोटर लगी हुई है, स्टैम्पिंग फिट है, तो उसकी जो मतलब कनेक्शन का जो हिस्सा है आप देखेंगे, देखिए इसका कनेक्शन का हिस्सा यहाँ पे है, देखिए आगे साइड में, ठीक है। तो यहाँ से कनेक्शन जब निकला है तो आपके पंप के साइड में इसका कनेक्शन नहीं आएगा, इसका कनेक्शन जो है कि पीछे के साइड में आएगा, यानी कि ये जो मोटर है ये कुछ इस तरह से फिट होगी, यानी कि पलट करके तभी इसका राउंड वगैरह सही आएगा। तो चलिए इसके राउंड को चेक करते हैं, और इसको जब खोलेंगे दोस्तों तो आपको एक बात और पता चलेगा, ये बढ़िया से मतलब ये इसके रूटर वगैरह जो है वो सही से लगे नहीं होंगे, सही से इसके रूटर और स्टैम्पिंग सही से मतलब फिटिंग में नहीं आया होगा। तो इसको भी हम इसको चेक करते हैं, आपको दिखाते हैं, चलिए खोलते हैं इसके बैक कवर को। तो दोस्तों एक बात नोट कर लीजिए, आपकी जो एल्युमिनियम की पाइप वाली बॉडी में स्टैम्पिंग होती है उसका कनेक्शन हमेशा पीछे ही रहता है। देख सकते हैं स्टैम्पिंग तो इसमें पूरी पूरी आ रही है, ठीक है। अगर आप स्टैम्पिंग को देखेंगे तो स्टैम्पिंग तो लगभग पूरी पूरी है, थोड़ा सा अंदर गया हुआ है रूटर, आपको मैं नज़दीक से दिखाऊँ, थोड़ा सा रूटर अंदर गया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा रूटर अंदर गया हुआ है, बाकी मतलब पूरी की पूरी ये फिटिंग में आ रही है। लेकिन सिंपली ऐसे निकाल लेंगे, ठीक है, और इसको हम देखिए, ये कनेक्शन वाला हिस्सा है ये आगे की तरफ रहता है। कभी भी इस मोटर को आप कभी भी फिट करते हैं इस तरह की कोई भी, चाहे एक एचपी की मोटर हो चाहे आधे एचपी की हो, कोई भी हो, उसका कनेक्शन हमेशा पीछे ही रहेगा, कुछ इस तरह से इसकी फिटिंग हो जाएगी, ठीक है। और इधर से जब आप रूटर को देखेंगे तो रूटर आपका स्टैम्पिंग पूरा पूरा बराबर आएगा, ठीक है। आपको दिखाएँ, आपको नज़दीक से दिखाते हैं अभी, देखिए अब ये रूटर जो है कि पूरा पूरा इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ गया एकदम, ज़रा सा भी अब ऊपर नीचे नहीं है, पहले ऊपर नीचे था। तो इस तरह से इसकी फिटिंग होती है जब भाई आप करते हैं। तो एल्युमिनियम की सीट में है अगर बाइंडिंग इसकी, यानी कि एल्युमिनियम की सीट में अगर इसकी स्टैम्पिंग फिट है तो इसके कनेक्शन हमेशा पीछे ही आएगा, चाहे वो कोई सी मोनोब्लॉक पंप हो, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का। और अब जब हम इसको चलाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगी और ये मोटर का एम्पेलर नहीं खुलेगा। आपने देखा था अभी एम्पेलर इसका खुल गया था, मैंने दोबारा टाइट किया उसको, क्योंकि ये उल्टा चल रहा था, उल्टा चलने से एम्पेलर खुल जाएगा। सीधा जब ये सीधा चलेगा ये मोटर, यानी कि इसका सीधा है एंटी क्लॉकवाइज। देख सकते हैं अब ये मोटर सही चलने लग गई, ठीक है। तो इस तरह से इसका चक्कर है, चलिए इसके अंदर पानी डालते हैं और इसका प्रेशर चेक करते हैं कि इसका प्रेशर कितना है, ठीक है, क्या हमारे सील वगैरह लीकेज तो नहीं है, दोबारा से सब कुछ चेक करेंगे। तो इस तरह से हमारे पंप कंप्लीट हो गया है, चलिए इसके अंदर पानी डालते हैं और इसकी लीकेज वगैरह देखते हैं, क्या हमारे द्वारा करने के बाद भी इसमें लीकेज है या इसकी लीकेज ठीक हो गई है, ठीक है। तो पानी डालते हैं, इसको चेक करते हैं।
तो मोटर का जो पंप है बहुत बड़ा है, इसलिए मैं मग्गा नहीं बल्कि एक बाल्टी ही लेकर के आ गया। तो बाल्टी से डालेंगे, इसमें ज़्यादा पानी लगेगा। तो दोस्तों इसके अंदर पानी भर लिया हमने और इसके पीछे से यहाँ पे हाथ लगाएंगे, हैं, और हाथ लगाने के बाद आपको दिखाते हैं इसका प्रेशर वगैरह कैसा है। ये जो आवाज आप देख रहे हैं ये पानी उठाने की ही है, ठीक है, दिखाऊं? देखा आपने, तो इस तरह से हमारी मोटर कंप्लीट हो गई है। चलिए आपको दिखाते हैं कहीं से इसका लीकेज वगैरह तो नहीं है। लीकेज भी नहीं होना चाहिए क्योंकि हमने इसकी रिपेयरिंग की है, तो लीकेज हो तो अच्छी बात नहीं है ना। तो देख सकते हैं इसके पानी कहीं से भी पानी वगैरह लीकेज नहीं कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर पानी हमने पूरा भर दिया है लेकिन पानी इसके अंदर से कहीं से भी लीकेज नहीं हो रहा, तो हमारी मोटर अब ये सब तरफ से कंप्लीट हो गई है। देख सकते हैं यहाँ से भी कहीं से लीकेज नहीं है, ठीक है, ठीक है, यहाँ से भी लीकेज नहीं है और इस जगह से भी लीकेज नहीं है, देख सकते हैं। तो दोस्तों करो तो बढ़िया करो, नहीं तो मत करो यार, किसी का नुकसान मत करो। बेचारे का डबल पैसा लग गया ना, हैं, मोटर फिट उल्टा कर दिया है, सील उन्होंने फाड़ करके लगा दी, क्या फ़ायदा हुआ ऐसा काम करके। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली आगे की और वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की यूज़फुल वीडियो आती रहती हैं। और दोस्तों कुछ दिनों पहले मेरे से एक कमेंट करके पूछा गया था कि सर आपका ये जो वोल्टेज है ये कितना ये पावर उठा सकता है, कितना इसका लोड उठाता है ये। तो देखा आपने तो नहीं देखा, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने अभी जो ये मोटर चेक किया है वो मैंने इसी से चेक किया है, ये जो मैंने बनाया था रेगुलेटर है, तो मैंने इसको फुल करके इसको इसी पे चेक किया है, इसी के ऊपर, ठीक है, ये मोटर चेक किया। अब आप सोच सकते हैं इसका कितना लोड उठा सकता है हमारा ये रेगुलेटर मल्टीपर्पज़ वाला। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आने वाली आगे की और वीडियो के अंदर, तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत।